टीजर्ड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। स्कीजर्ड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये इसकी शुरुआत जो है, मतलब ये व्यक्तिमत्व का दोष है और इसकी शुरुआत जो है वो 13-14 साल में हो सकती है। और ये एक व्यक्तिमत्व का दोष है, ये एक्चुअली बीमारी नहीं हो सकती, इससे कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है, मगर आगे चल के बीमारी में कन्वर्ट हो सकता है। अब इसमें विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि ये जो लोग हैं, ये सोसाइटी से, समाज से ये डिटैच हो जाते हैं, उनका अटैचमेंट नहीं रहता, अकेले अकेले रहते, लोगों के साथ में संबंध नहीं रहते इनके, नंबर एक। और नंबर दो, उनकी भावनाएं जो है ना, भावनाएं अलग अलग भावनाएं अपने रहती है, दुख की भावना है, सुख की भावना है, खुशी की भावना है, जोश है, जुनून है, उत्साह है, तो ये जो अलग अलग इमोशंस जो है वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड रहती है। मतलब ऐसा कुछ दिखेगा नहीं कि बहुत खुश है या बहुत दुखी है, मतलब उनकी एपेथी रहती है, ऐसा पूरा विड्रॉन रहते हैं, कोई भावनाएं नहीं है और अकेले अकेले रहना है, ऐसा उनको दिखाई देता है, ऐसे ये लोगों में दिखाई देता है। जो स्किजर्ड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले जो लोग हैं ना, तो इनको इनकी तारीफ किया या इनकी आलोचना किया तो भी इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो उसको बहुत ही इनडिफरेंट रहते हैं। फिर इनकी भावनाएं जो है वो बहुत कोल्ड रहती है, इमोशंस जो है, मतलब ऐसा कुछ बहुत खुशी ऐसे नहीं, एकदम कोल्ड, ठंडा, ठंडी भावना है, मतलब ऐसा कभी उनको जोश है, उत्साह है, ऐसा कभी दिखाएं, बहुत ही कोल्ड इमोशंस रहती है। फिर इनकी सेक्सुअल इंटरेक्शंस जो है, सेक्सुअल इंटरेक्शंस वो बहुत ही लिमिटेड रहती है, तो उनको सेक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा नहीं, पार्टनर में इंटरेस्ट रहेगा नहीं, तो सेक्सुअल इंटरेक्शंस बहुत ही लिमिटेड रहती है। फिर वो अकेला अकेला रहना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा सोशल एक्टिविटी में जाएंगे नहीं, अकेला रहना पसंद करेंगे। और अकेलेपन में जो एक्टिविटी है, जैसा किताब पढ़ना या कोई गेम्स खेलते जाना और अकेले रहना, उनको अच्छा लगता है। फैमिली मेम्बर के अलावा इनको बहुत कुछ ज़्यादा क्लोज दोस्त नहीं रहते या कोई पार्टनर्स नहीं रहते, और जो भी वो करेंगे अकेले में करेंगे, और ज़्यादा उनको कहीं मिलना जुलना, घूमना फिरना, मज़ा करना, ऐसा कभी दिखेंगे नहीं, ज़्यादा अकेले रहना, ज़्यादा दोस्त नहीं है, सेक्सुअल इंटरेक्शन नहीं है, क्रिटिसिज्म किसने किया तो उसमें वो इनडिफरेंट है, या प्रेस किया तभी उनको फ़र्क पड़ता नहीं है, मतलब उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपको हमको ऐसा लगता है कि यार इसको कोई आदमी की कौन है यार, इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इसको बिजनेस करेगा तो अकेला अकेला बिजनेस करेगा, और उत्ते पुत्ता करेगा, कैसा भी करके वो सर्वाइव करेगा, मतलब अपना जीवन काल निकालेगा। मगर फिर लोग आजू बाजू के फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इनके साथ में रहने वाले लोग हैं, कुछ भी किया तभी इसको कुछ लगता ही नहीं है, अच्छा भी बोला तो भी नहीं, खराब भी बोला तो भी नहीं, उसको कोई इमोशंस नहीं है, और फिर लोग परेशान हो जाते हैं। ये जो लोग हैं स्किजॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले, ये कतार ऐसे बॉर्डर लाइन पे है, मतलब कभी भी उनको स्किजोफ्रेनिया हो सकता है, कोई टेंशन आ गया, स्ट्रेस आ गया, क्योंकि उनके पास में सोशल स्किल नहीं है, उनका इमोशन आईक्यू नहीं, इमोशनल क्वोशेंट जो है ईक्यू, तो इमोशनल क्वोशेंट जो है वो लो रहता है, उनका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव एटीट्यूड है, उनका सेल्फ एस्टीम जो है, मतलब खुद के बारे में स्वाभिमान या खुद का मन, अपने बारे में सोच, वो लो रहती है। और फिर सोशल स्किल कम रहने से कुछ भी हो गया तभी उसको वो सकम हो जाएंगे और उनको एकदम साइकोसिस हो जाएगा। तो इनको पटाके, उनके लिए स्टैंड लेके, उनको साइकियाट्रिस्ट के पास में ले जाके, कोई यदि खड़ा रहता है उनके घर का व्यक्ति और उनको साइकोथेरेपी देते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो धीरे 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 उनका स्किल हम डेवलप कर सकते हैं, सोशल इंटरेक्शन की स्किल डेवलप, सोशल स्किल डेवलप हो सकता है, और वो एक नॉर्मल इंसान धीरे 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 हो सकते हैं। उनको हिप्नोथेरेपी करते हैं, सबके मतलब सबसे ज़्यादा महत्व का है कि उनकी खुद की इच्छा और जो रहती नहीं है, तो लोगों ने स्टैंड लेके उनकी इच्छा जागृत करना कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है इस तरह का, तो उनकी इच्छा जागृत करना ये पहला काम, और इच्छा जागृत होना कि मुझे अच्छा होना है, ये जीवन जीना नहीं है, और फिर दूसरा इच्छा जागृत होने के बाद में फिर उसका काउंसिलिंग करना, तो ये हम काम करते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हमको हमारे आसपास यदि लोग रहे ना तो हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तुम्हारे पास में बहुत लोग लाते हैं कि भाई इसको कुछ मज़ा ही नहीं है, 2-3 साल से 4 साल से देखो कैसा पढ़ाई नहीं कर रहा है, मिलना जुलना नहीं बच्चा, देखो कैसा कर रहा है, तो कुछ काम करने में इंटरेस्ट नहीं, पढ़ाई करने में इंटरेस्ट नहीं, फेल होते जा रहा है लड़का, और पहले अच्छा था और अभी ऐसा हो गया है, और 3-4 साल से ऐसा बाकी कुछ करता नहीं, किसको तकलीफ देता नहीं, अकेला रहेगा, अकेला खाएंगा पिएंगा और मस्त रहेगा, तो बाकी लोग परेशान हो जाते हैं। ये जानकारी लोगों को देने के लिए वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो,
आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।